क्वेटा में चार रोज कबल अगवा होने वाला 9 साल बच्चा तहाल बाजियाब नहीं हो सका। वालिद का कहना है कि तहाल बच्चे का कुछ पता नहीं चला। अदालत ने तसरी दी है। वकला तंजीमों ने बच्चे के अगवा के खिलाफ अदालती बायकॉट कर रखा है। ताजर बरादरी कल सूबे भर में शटरडाउन हड़ताल करेगी। क्वेटा में 9 साल बच्चे का अगवा और अदम बाजियाबी, वकला और सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज। स्कूल वैन से अगवा होने वाला बच्चा ताहाल बाजियाब न हो सका। मुलजमान की गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, लेकिन पुलिस को कामयाबी न मिली। फुटेज में अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और मुलजिम को वाजे तौर पर देखा जा सकता है। वालिद का कहना है ताहाल बच्चे का कुछ पता नहीं चला, हाईकोर्ट से रुजू किया है। आज हो गया 14 दिन हो गया कि हम लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। हाईकोर्ट में जो है जज साहब ने जो है वो सारा उसे स्टैंड दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन्होंने हमें बड़ा तसल्लियां दिया है। अल्लाह करे, अल्लाह बेहतर करेगा। वकला तंजीमें और मुख्तलिफ सियासी जमातें भी लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए इकट्ठी हो गई हैं। वकला ने आज अदालती बायकॉट का ऐलान करते हुए मुकदमात की पैरवी से इनकार किया, जबकि अंजुमन ताजरान ने कल शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। इस वाक्य के बाद तो जो सूरत हाल बनी है इंतहाई दर्दनाक है। इस हवाले से पूरा इलाका और हमारा ये वतन जो है वो परेशान है। हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो है हमारे इस बच्चे को बाजियाब कराया जाए। एहतजाज के बाइस शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। 9 साल मोहम्मद मुसव्विर खान चार रोज गुजरने के बावजूद अब तक बाजियाब नहीं हो सका, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक सवालिया निशान है। कैमरा मैन सईद अली के साथ सिदारी फोर न्यूज़ कोटा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।